गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जी गुरविंदर कौर जी, आप शुरू करोगे जी? हाँ जी, श्लोक गुरुदेव माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा गुरुदेव सखा अज्ञान पंजन गुरुदेव बंधप सहोदरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेशे गुरुदेव मंत्र निरोधरा गुरुदेव शांत सद गुरु मूरत गुरुदेव पारस परस्परा गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर गुरु ज्ञान मजन अपरंपरा गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पतित पवित करा गुरुदेव आज जुगा जुग जुग गुरुदेव मंत्र हर जप उतरा गुरुदेव संगत प्रभ मिल कर कृपा हम मूर पापी जित लग तरा गुरुदेव सतगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्करा गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु, 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 वाहेगुरु। रामकले की वार राय बलवन तथा सत्य डूम आखी एक ओंकार सतगुर प्रसाद नाव करता कादर करे क्यों बोल होवे जोखीम दे गुना सत पैन प्राव है पारंगत दान पड़ीम दे नानक राज चलाया सच कोट सतानी नीम दे लहने तरियन छत सिर कर सिफती अमृत पीम दे मत गुर आत्म देव दी खड़ग जोर पर के जी दे गुर चेले रास की नानक सलामत थीम दे सह टिका जितों से जीव दे लहने दी फेराइए नानका दोही खटिए जोत ओहा जुगत साए सहकाया फिर पलटिए चूल्हे सु छत निरंजनी मर तखत बैठा गुर हटिए करे जगुर फुरमाया सिल जोग अलूनी चटिए लंगर चले गुर शब्द घर तोत ना आवी खटिए खर्चे दित खसम दी अप खेंदी खैर दपटिए होवे सिफत खसम दी नुर अरसों कुरसों चटिए डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिए सच जे गुर फुरमाया क्यों एंदू बोलो हटिए पुत्री कोल ना पालो कर फिरो कन मुरटिए दिल खोटे आकी फिरन बन पार उचायन छटिए जिन आखी सोई करे जिन कीती तिने थटिए कौन हारे किन उवटिए जिन कीती सो मनना वो साल जिवाहे साली धर्म राय है देवता ले गल्ला करे दलाली
सतगुर आखे सच्चा करे सा पात होवे दरहाली। गुर अंगद दी दोही फ्री सच करते बंद बहाली। नानक काया पलट कर मल तखत बैठा सह डाली। दर सेवे उमत खड़ी मस्कले होए जंगाली। दर दर वेश खसम दे ना सच्चे बाणी लाली। बलवंड की भी नेक जन जिस पोती छाओ पतराली। लंगर दौलत वंडिये रस अमृत खीर क्याली। गुर सिखा के मुख उजले मन मुक्तिये पराली। पे कमूल खसम नाल जा काल मर्दी काली। माता की भी सो सोए जिन गोए उठाली। हो रो गंग बहाइये दुनियाई आखे की क्यों। नानक ईसर जगनाथ उचे दी वैन वीर क्यों। माधा ना पर्वत कर नेत्र बासक शब्द लिड़क्योन। चौदे रतन निकालियन कर आवा गोन चिलक्योन। कुदरत है वे खालियन जिन एवड पिंड ठिन क्यों। लहने तरियन छत सिर आसमान के आड़ा चिक्योन। ज्योत समानी ज्योत माहे आप आपे से तीम क्यों। सिखा पुत्रा कोख के सब उमत वेखो जी क्यों। जा सुदोष ता लेना टिक्योन। फेर वसाया फेर वान सतगुर खडूर। जप तप संजम नाल तुद होर मुच गरूर। लब विनाए मानसा जो पानी बूर। वरिये दरगे गुरु की कुदरती नूर। जित सुहाथ न लबई तू ठरूर। नौनिद नाम निधान है तुद विच भरपूर। निंदा तेरी जो करे सो वंजे चूर। नेरे दिसे मात लोग तुद सुजे दूर। फेर वसाया फेर वान सतगुरु खडूर। सो टिक्का सो बैना सोई दीमान। क्यों दादे जे व्या पोता परवान। जिन बासक नेत्रे कत्या करने ही तान। जिन समुंदर विरोलिया कर मेर मधान। चौदे रतन निकालियन की तोन चनान। कोड़ा की तो सहजदा जत कियो पलान। तनक चढ़ायो सतदा जस हंदा बान। कल विच तू अंधार सा चढ़िया रह पान। सत्तों खेत जमायो सत्तों छावान। नितर सोई तेरिये क्यों मैदा खान। चारे कुंडा सुजियोस मन में शब्द परवान। आवा गोन निवार्यो कर नदर निशान। ओ तरिया ओ तार ले सो पुरख सुजान। चखड़ वाव न डोले पर्वत मेरान। जाने बिरथा जी की जानी हूँ जान। क्या सलाही सच्चे पातशाह जातू सुगर सुजान। दान से सतगुरु पावसी सो सत्ते दान। नानक हंदा छत सिर उमत हैरान। सो टिक्का सो बैना सोई दीवान। क्यों दादे जे व्या पोतरा परवान। तन तन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया। पूरी होई करामात आप सिरजन हारे तारिया। सिखी अते संगती पावरम कर नमस्कार। अटल अथा अतोल तू तेरा अंत न पारा वारिया। जिनी तू सेव्या पाओ कर से तुद पार उतारिया। लब लोभ काम क्रोध मो मार कड्डे तुद सब परिवारिया। तन सु तेरा थान है सच तेरा पैस कारिया। नानक तू लहना तू है गुर अमर तू विचारिया। गुर डिठा ता मन सधारिया। चारे जागे चो जुगी पंचायन आपे हुआ। आपीने आप साजियन आपे ही थम खलोया। आपे पट्टी कलम आप लिखन हारा हुआ। सब उमत आमन जावनी आपे ही नवा नरोया। तखत बैठा अर्जन गुरु सतगुर का खिवे चंदोया।
ਉਗਵਣੋ ਤੇ ਆਥਵਣੋ ਚੋ ਚੱਕੀ ਕੀਅਨ ਲੋਆ ਜਿਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾ ਸੇਵਿਓ ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਪਿਆ ਮੋਆ ਦੂਨੀ ਚੋਨੀ ਕਰਾਮਾਤ ਸੱਚੇ ਕਾ ਸੱਚਾ ਟੋਆ ਚਾਰੇ ਚਾਗੇ ਚੋ ਜੁਗੀ ਪੰਚਾਇਨ ਆਪੇ ਹੁਆ ਉਗਵਨੋ ਤੈ ਆਥਵਨੋ ਚੋ ਚੱਕੀ ਕੀਅਨ ਲੋਆ ਜਿਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾ ਸੇਵਿਓ ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਪਿਆ ਮੋਆ ਦੂਨੀ ਚੋਨੀ ਕਰਾਮਾਤ ਸੱਚੇ ਕਾ ਸੱਚਾ ਟੋਆ ਚਾਰੇ ਜਾਗੇ ਚੋ ਜੁਗੀ ਪੰਚਾਇਨ ਆਪੇ ਹੋਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਆਕਾਰ ਤਕੀਨ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਜਿ ਮਨਾ, ਜੇ ਬਿਦੁ ਜਲ ਕੋ ਮੀਨ। ਬਿਖਿਆਨ ਸਿਉ ਕਾਹੇ ਰਚਿਓ, ਨਿਮਕ ਨਾ ਹੋਇ ਉਦਾਸ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਭਜਿ ਹਰਿ ਮਨਾ, ਪਰੈ ਨਾ ਜਮ ਕੀ ਪਾਸ। ਤਰਨਾ ਪੋਇਓ ਹੀ ਗਇਓ, ਲਿਓ ਜਰਾ ਤਨ ਜੀਤ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਭਜਿ ਹਰਿ ਮਨਾ, ਔਧ ਜਾਤ ਹੈ ਬੀਤ। ਬਿਰਧ ਭਇਓ ਸੂਜੈ ਨਹੀਂ, ਕਾਲ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਨ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਵਰੇ, ਕਿਉ ਨਾ ਭਜੈ ਭਗਵਾਨ। ਤਨ ਦਾਰਾ ਸੰਪਤ ਸਗਲ, ਜਿਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰ ਮਾਨ। ਇਨ ਮੈਂ ਕਛ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਜਾਨ। ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਨ ਪੈ ਹਰਨ, ਹਰ ਅਨਾਥ ਕੇ ਨਾਥ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਤੈ ਜਾਣੀਏ, ਸਦਾ ਬਸਤ ਤੁਮ ਸਾਥ। ਤਨ ਧਨ ਜੈ ਤੋ ਕੋ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਸਿਓ ਨਿਹੋ ਨਖੀਨ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਵਰੇ, ਅਬ ਕਿਉ ਡੋਲਤ ਦੀਨ। ਤਨ ਧਨ ਸੰਪੈ ਸੁਖ ਦਿਓ, ਅਰਜੈ ਨੀ ਕੈ ਧਾਮ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਨਰੇ ਮਨਾ, ਸਿਮਰਤ ਕਾਹੇ ਨਰਾਮ। ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਦੂਸਰ ਨਾਹਿਨ ਕੋਇ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਨਰੇ ਮਨਾ, ਤੇ ਸਿਮਰਤ ਗਤ ਹੋ। ਜਹ ਸਿਮਰਤ ਗਤ ਪਾਈਐ, ਤੇਹ ਪਜਰੇ ਤੈ ਮੀਤ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਨਰੇ ਮਨਾ, ਔਧ ਕਟਤ ਹੈ ਨੀਤ। ਪਾਂਚ ਤੱਤ ਕੋ ਤਨ ਰਚਿਓ, ਜਾਨੋ ਚਤੁਰ ਸੁਜਾਨ। ਜੈ ਤੇ ਉਪਜਿਓ ਨਾਨਕਾ, ਨੀਨ ਤਾਹੇ ਮੈਂ ਮਾਨ। ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੈ, ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਤੈ ਪਾਜ ਮਨਾ, ਪਉ ਨਿਧਿ ਉਤਰੈ ਪਾਰ। ਸੁਖ ਦੁਖ ਜੈ ਪਰਸੇ ਨਹੀਂ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਨਰੇ ਮਨਾ, ਸੋ ਮੂਰਤ ਭਗਵਾਨ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾਹੀ ਜੇਹੇ,
कंचन लोहो समान, कौ नानक सुन रे मना, मुक्त ताहे तै जान। हरख सोग जाके नहीं, बैरी मीत समान, कहो नानक सुन रे मना, मुक्त ताहे तै जान। पै काहू को देत नह, नह पै मानत आन, कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। जेहे बिख्या सगली तजी, लियो पेख बैराग, कौ नानक सुन रे मना, तेह नर माथे पाग। जेहे माया ममता तजी, सब ते पयो उदास, कहो नानक सुन रे मना, तेह घट ब्रह्म निवास। जेह प्राणी हो मैं तजी, करता राम पछान, कहो नानक वो मुक्त नर, एह मन साची मान। पै नासन दुर्मत हरन, कल मैं हर को नाम, निस दिन जो नानक भजै, सफल होए तै काम। जे बा गुण गोबिंद भजो, करन सुनो हर नाम, कौ नानक सुन रे मना, परै न जम कै ताम। जो प्राणी ममता तजै, लोभ मोह अहंकार, कौ नानक आपन तरै, औरन लेते उधार। ज्यो सुपना अर पेखना, ऐसे जग को जान, इनमें कछ साचो नहीं, नानक बिन भगवान। निस दिन माया कारण, प्राणी डोलत नीत, कोटन में नानक को नारायण जह चीत। जैसे जल ते बुद बुदा, उपजै बिन सैनीत, जग रचना तैसे रची, कहो नानक सुन मीत। प्राणी कछु न चेतई, मद माया कै अंध, कहो नानक बिन हर भजन, परत ताहे जम फंद। ज्यो सुख को चाहे सदा, शरण राम की लेहे, कहो नानक सुन रे मना, दुर्लभ मानुख देहे। माया कारण तावही, मूरख लोग अजान, कौ नानक बिन हर भजन, बिरथा जन्म सरान। जो प्राणी निस दिन भजै, रूप राम ते जान, हर जन हर अंतर नहीं, नानक साची मान। मन माया में फद रहियो, बिसरियो गोविंद नाम, कौ नानक बिन हर भजन, जीवन कौन है काम। प्राणी राम न चेतई, मद माया कै अंध, कौ नानक हर भजन बिन,
परत ताए जम फंद सुख में भव संगी भय दुख में संग न कोय कौ नानक हर पज मना अंत सहाई होय जन्म जन्म परमत फिरयो मिट्यो न जम को त्रास कौ नानक हर पज मना निरपै पावै बास जतन बहुत मैं कर रहे हो मिट्यो न मन को मान दुर्मत स्यो नानक पथ्यो राख लियो भगवान बाल जवानी अर बिरद फुन तीन अवस्था जान कौ नानक हर भजन बिन बिरथा सब ही मान करणो हुतो सो ना कियो परयो लोभ कै फंद नानक समयो राम गयो अब क्यों रोवत अंद मन माया मैं राम रहयो निकसत नाहिन मीत नानक मूरत चित्र ज्यो छाड़त नाहिन पीत नर चाहत कछ और औरै की औरै भई चितवत रहयो ठगोर नानक वासी गल भरी जतन बहुत सुख के किए दुख को कियो न कोय कौ नानक सुन रे मना हर भावै सो होय जगत भिखारी फिरत है सबको दाता राम कौ नानक मन सिमरत है पूरन होवै काम झूठे मान कहा करै जग सुपने ज्यो जान इनमें कछ तेरो नहीं नानक कहयो बखान गर्भ करत है देह को बिन सै छिन मै मीत जेहे प्राणी हर जस कहो नानक तेह जग जीत जेहे कट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान तेह नर हर अंतर नहीं नानक साची मान एक भगत भगवान जेहे प्राणी कै नाहे मन जैसे सुकर स्वान नानक मानो ताहे तन स्वामी को गृह जो सदा स्वान तजत नहीं नित नानक ए विद हर भजो एक मन हो एक चित तीरथ व्रत अर दान कर मन में धरै गुमान नानक ने फल जात तेह ज्यों पुंचर इसनान सिर कंप्यो पग डग मगै नैन जोत ते हीन कौ नानक बिद पई तो न हर रस लीन निज कर देखियो जगत मैं को काहू को नाते नानक थिर हर भगत है
राखो मन माहे, जग रचना सब झूठ है, जान ले हो रे मीत, कह नानक थिर ना रहे ज्यों बालू की पीत। राम गयो रावण गयो, जाको बहु परवार, कहो नानक थिर कछ नहीं, सुपने ज्यों संसार। चिंता ताकी कीजिए, जो अनहोनी होए, यो मार्ग संसार को, नानक थिर नहीं कोए। जो उपजो सो बिनस है, परो आज कै काल, नानक हर गुण गाय ले, छाड़ सगल जंजाल। दोहरा बल छुटक्यो बंधन परे, कछु ना होते उपाय, कौ नानक अब ओट हर, गज ज्यो हो सहाय। बल होआ बंधन छुटे, सब किछ होते उपाय, नानक सब किछ तुमरे हाथ में, तुम ही होत सहा। संग सखा सब ताज गए, कौन ने बेओ साथ, कहो नानक ए विपत में, टेक एक रघुनाथ। नाम रहेओ साधु रहेओ, रहेओ गुरु गोविंद, कौ नानक ए जगत में, किन जपेओ गुरमंत। राम नाम उर मैं गहेओ, जाके सामने कोय, जेह सिमरत संकट मिटे, दर्स तुहारो होय। राम नाम उर मैं गहेओ, जाके सामने कोय, जेह सिमरत संकट मिटे, दर्स तुहारो हो। होए वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु, वाहिगुरु, वाहिगुरु। शब्द हजारे मांझ महला पंजवां, चौपदे कर पहला। मेरा मन लोचे गुरु दर्शन ताई, बिलप करे चात्रिक की न्याई, त्रिखा न उतरे शांत न आवे, बिन दर्शन तंत प्यारे जियो, हो कोली जियो कोल कुमाई, गुरु दर्शन संत प्यारे जियो, रहाओ तेरा मुख सुहावा जियो, सहज तुन बाणी, चिर होआ देखे सारी पाणी, तन स्वदेश जहां तू वस्या, मेरे सज्जन मीत मुरारे जियो, हो कोली हो कोल कुमाई, गुर सज्जन मीत मुरारे जियो, रहाओ। इक कड़ी न मिलते ता कल जुग होता, हुन कद मिलिए प्रिय तुद भगवंता, मोहे रह न विहावे नींद न आवे, बिन देखे गुरु दरबारे जियो, ओ कोली जियो कोल कुमाई, तिस सच्चे गुरु दरबारे जियो, रहाओ। भाग हुआ गुर संत मिलाया, प्रभ अविनाशी कर मैं पाया, सेव करी पलचसा न बिछड़ा, जन नानक दास तुम्हारे जियो, ओ कोली जियो कोल कुमाई, जन नानक दास तुम्हारे जियो, रहाओ। तनासरी महला पहला, कर पहला, चौपदे एक ओंकार सतनाम,
करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह पंग प्रसाद जियो जियो डरत है आपना कैस्यू करी पुकार दुख विसारण सेविया सदा सदा दातार साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दातार रहाओ अन दिन साहिब सेविय अंत छड़ाए सोए सुन सुन मेरी कामणी पार उतारा होए दयाल तेरे नाम तरा सदगुरु बाणे जाओ आओ सरबं साचा एक है दूजा नाही कोए ताकि सेवा सो करे जाको नदर करे तुद बाज प्यारे केव रहा सावड़ आई दे जित नाम तेरे लाग रहा दूजा नाही कोए जिस आगे प्यारे जाए कहा रहाओ सेवी साहिब आपना अवना जाचो कोए नानक दाता का दास है बिंद बिंद चुक चुक होए नानक ताका दास है बिंद बिंद चुक चुक होए साहिब तेरे नाम विटो बिंद बिंद चुक चुक होए रहाओ तिलंग महला पहला कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद एहो तन माया पाहिया प्यारे लीतड़ा लभ रंगाए मेरे कंत न पावे चोलड़ा प्यारे क्यों तन से जय जाए हो कुर्बाने जाऊं मेहरबाना हो कुर्बाने जाऊं हो कुर्बाने जाऊं तिना कह लैन जो तेरा नाऊ लैन जो तेरा नाओ तिना कह हो सदगुरबाने जाऊं रहाओ काया रंगण जेत ये प्यारे पाइये नाओ मजीत रंगण वाला जे रंगे साहिब ऐसा रंग नडीठ जिनके चोले रकड़े प्यारे कंत तिना के पास तूड़ तिना की जे मिले जी कहो नानक की अरदास आपे साजे आपे रंगे आपे नदर करे नानक कामण कंत पावे आपे ही रावे तिलंग महला पहला या नड़िये मानड़ा काय करे अपनड़े कर हर रंगो की ना माने है सो नेड़े तन कमलिये बाहर क्या ढूंढे है पै किया देह सलाहिया नैनी पाओ का कर सीकारो पै किया देह सलाहिया नैनी पाओ का कर सिंगारो ता सोहागण जानिए लागी जा सो तरे प्यारो यानी बाली क्या करे जा तन कंत न पावे करण पलाह करे बहु तेरे सा तन महल न पावे विण कर्मा किच पाईए नाही जे बहु तेरा तावे लब लोभ अहंकार की माती माया माहे समाणी इनी बाती सह पाईए नाही पई कमण यानी जाए पुछो सोहागणी वाहे किनी बाती सह पाईए जो किच करे सो पला कर मानिए हिकमत हुक्म चुकाइए जा के प्रेम पदार्थ पाइए तो चरणी चितलाइए सो कहे सो कीजे तन मनो दीजे ऐसा परम ललाइए एव कहे सुहागणी पहने इनी बाती सह पाइए पाप गवाइए का सह पाइए और कैसी चतुराई सो नदर कर देखे सो दिन लिखे कामण नो निध पाई अपने कंत प्यारी सासु हागण नानक का सबराई ऐसे रंग राती सहज की माती एहने सपाए समाणी सुंदर साए स्वरूप विचखण कहिए सा सियाणी सुही महला पहला कवण तराजी कवण तुला तेरा कवण सराफ बुलावा कौन गुरु के पह दीख्या लेवा कै पह मुल करावा मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना तू जल थल महियल पर पुर लीना तू आपे सर्ब समाणा रहाओ मन तारा जी चित तुला तेरी सेव सराफ कमावा कटही पीतर सूस होते तोली इन विध चित रहावा आपे कंडा तोल तराजी आपे तोलन हारा
आपे देखे आपे बुझे आपे है बणजारा अंधला नीच जात परदेसी किन आवे तिल जावे ताकि संगत नानक रहदा क्यों कर मूड़ा पावे एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह पंग गुर प्रसाद राग बिलावल महला पहला चौपदे पर पहला तू सुल्तान कहा हो मिया तेरी कवन वडाई जो तू देह सुखा स्वामी मैं मूरख कहण न जाई तेरे गुण गावा देह बुझाई जैसे सच में रहो रजाई रहाओ जो किछ हुआ सब किछ तुझते तेरी सब असनाई तेरा अंत न जाना मेरे साहिब मैं अंधले क्या चतुराई क्या हो कथी कथे कथ देखा मैं कथ न कथ ना जाई जो तुद पावे सोई आका तिल तेरी वड़ियाई एते कुकर हो बेगाना फोका इस तंताई भगत हीन नानक जे होएगा ता कसमै नाओ न जाई बिलावल महला पहला मन मंदर तन वेस कलंदर कटही तीरथ नावा एक शब्द मेरे प्राण बसत है बाहुड़ जन्म न आवा मन बेध्या दयाल सेती मेरी माई कौन जाने पीर पराई हम नाही चिंत पराई रहाओ अगम अगोचर अलख अपारा चिंता करो हमारी जल थल महियल पर पुरलीना कटकट जोत तुम्हारी सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी मंदिर छावा तेरे तुझ बिन अवर न जाना मेरे साहिबा गुण गावा नित तेरे जी जंत सब शरण तुम्हारी सर्ब चिंत तुद पासे जो तुद पावे सोई चंगा एक नानक की अरदासे जी जंत सब शरण तुम्हारी सर्ब चिंत तुद पासे जो तुद पावे सोई चंगा एक नानक की अरदासे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह तन तन श्री गुरु नानक श्री गुरु गोविंद सिंह साहब जी महाराज शस्त्र नाम माला एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह हथ श्री शस्त्र नाम माला पुराण लिखे ते श्री भगौती जी सहाय पातशाही दसवीं दोहरा सांग सरोही सैफ अस तीरथ पक तलवार सतरंत कवचांत कर करिय रच हमार अस किरपान तारा तरी सैल सूफ जमदाड कवचांतक सतरांत कर तेग तीर तरवाड़ अस किरपान खंडो खड़ग तुपक तवर अर तीर सैफ सरोही सह थी यह हमारे पीर तीर तुही सह थी तुही तुही तवर तलवार नाम तिहारो जो जपे पए सिंध पव पार काल तुही काली तुही तुही तेग अर तीर तुही निशानी जीत की आज तुही जगवीर तुही सूल सह थी तवर तू निखांग अर बान तुही कटारी सेल सब तुम ही करद किरपान शस्त्र अस्त्र तुम ही सिपर तुम ही कवच निखांग कवचांतक तुम ही बने तुम व्यापक सर्वंग श्री तू सब कारण तू ही तू विद्या को सार तुम सब को पराज ही तुम ही लेहो वार तुम ही दिन रजनी तुही तुम ही जियन उपाय कौतक हेरन के नमित तिन मो बाद बढ़ाए अस किरपान खंडो खड़ग सैफ तेग तरवार रक्ष करो हमरी सदा कवचांतक करवार तुही कटारी दाड़ जम तू बिछुओ अरबान तो पत पद जे लीजिए रक्ष दास मोह जान बांक बजर बिछुओ तुही तवर तरवार तुही कटारी सहती करिए रच्छ हमार तुम ही गुर्ज तुम ही गदा तुम ही तीर तुफंग
दास जान मोरी सदा रक्षा करो सर्वांग, छुरी कलम रिप कर दे पन खंजर भुगदा नाए, अर्ध रिजक सब जगत को मोहे तुम लिहो बचाए। प्रथम पावो जगत तुम ही पंथ बनाए, आप तु ही चगरा करो तुम ही करो सहाय। मच्छ कच्छ बारा तुम बावन अवतार, नार सिंह बौदा तुही जगत को सार। तुही राम श्री कृष्ण तुही विष्ण को रूप, तुही प्रजा सब जगत की तुही आप ही पूप। तुही विपर छतरी तुही रंग के अर राव, श्याम दाम अर दंड तुम ही पेद उपाओ। शीस तुही काया तुही तैं प्राणी के प्राण, तैं विद्या जग बख्तर होए करे भेद बख्यान। वसेख वान तन खागर पन सार कै बर जे नाम, तीर कतंग तथा रचे सदा करो मम काम। तैनी राले शतर अर मृगंतक ससबान, तुम बैरन प्रथमे हनो बहरो बजय किरपान। तुम पाटस पासी परस परम सिंध की खान, ते जग के राजा पे दी तब जे बरदान। शीस शतर अर अस खंडो खड़ग किरपान, शकर सरेसर तुम कियो भगत आपनो जान। जमतर जम दाड़ा जवर जदन तक जे नाए, लूट कूट ली जत तिने जे बिन बांधे जाए। बांक वजर विशो बिसिख बिरहवान सब रूप, जिनको तुम कृपा करी पए जगत के पूप। शस्त्र शेर सम्रांत कर सिपरार शमशेर, मुक्त जाल जम के पए जिमे कहो एक बेर। सैफ सरोही शतर अर सारंगार जे नाम, सदा हमारे चित बसो सदा करो मम काम। सैफ सरोही शतर अर सारंगार जे नाम, सदा हमारे चित बसो सदा करो मम काम। एत श्री नाम माला पुराणे श्री भगवती उस्तत प्रथम त्याय समाप्तम। सत शुभम सत वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। क्यों का श्री वाहिगुरु जी की फतेह। आज शाही दसवीं चौपाई भरोस असुर का काटस माता श्रेयस के जगत के नाथ, तृतीय बान सो दो अन्न अर कर काट दो अस्त नाहर, पुनराजस का काटा सीसा श्रेयस के जगत के ईसा, रूपन भ्रष्ट गगन ते पई सभिन आद बधाई दई। तन्य तन्य लोगन के राजा दुष्ट दा गरीब निवाजा, कल पवन के सृजन हारे दास जान मोलो बारे। वाहिगुरु कबियो बात बेनती चौपाई। वाहिगुरु जी हमरी करो हाथ रक्षा पूर्ण हो जितके इच्छा तो जन मन रहे हमारा, अपना जान करो ब्रत पारा हमरे दोष भय तुमका वो आपत, मैं बचाओ चुकी बसे मोर परवार। सेवर से सब करता रहा मोर अच्छा निज करके कर दया करिए, सब बैरन को आज भरी पूर्ण हो हमारी आशा। तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाट कर बनाते हो जो बचाओ से तुम ते पाओ। सेवर से हमारे तारिये चुन चुन सत्र हमारे मारिए, आप हाथ दे मुझे भरिए
मरण काल का त्रास निवरिए हो जो सदा हमारे पचा श्री अद जो करीब रचा राख लो मेरा कनारे साए संसार प्यारे दीन बंधु के अंता तुमो परी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा भक्तरा काल पाए शिव ज्योतरा काल पाए कभी प्रकाशा सकल काल का क्या तमाशा जवन काल जोगी सिखी बेदरा ब्रह्मा ज्योति जवन काल सब लोग सवारा नमस्कार है ताई हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दै जो चन उपजायो आदन देखे अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सतरन को पल मोह बद कियो कट कट के अंतर की जानत पले पुरे की बीत पहचानत चीटी ते कुंचरस तुना सब पर कृपा दश कर पोला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की वीर पहचाने कट कट के पट पट की जाने जब गुरु करा कर तारा प्रजा तुम तक दे पारा जपा करक करा तो हो कब हो तुम मैं मिलक दे तर सम हो जेते बदन से सब तारे आप अपनी मुझ चार है तुम सभी ते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम निरंकार निपकार निर्लम आद नील नाद संभता का मूड चार पेदा जाको पेव न पावत बेदा ताको कर पान अनुमानत महामूर्त पे न जानत महादेव को कैसदा से निरंकार का चिन्हत नहीं थे आप अपनी बुद्ध है जेती बनत पिन पिन तो तेती तुमरा लखा न जय पसारा कैब सचा प्रथम संसारा एक कै रूप अनूप स्वरूप पारंग पेव राव के पुपांड जेर से सचिन पुष्कान बहुत तीनी कहो बोल राजा हुआ बैठा को स्मृत पर शंकर कैटा सक्रिय श्रीकाय चंबवा जुगा सरसंभ अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट दे उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रणकाता जे अदुत सरणी परे तिनके दुष्ट दुखत हुए मरे पुरख जो परे त्यारे तिनके तुम संकट सब तारे जो कल को एक बार त्याय है ताके काल निकट नहीं आए हैं जो कल को एक बार त्याए ताके काल निकट नहीं आए हैं रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट तरे तत्काला कृपा दृष्ट तन जाय न हरियो ताके ताप तनक मोह हरियो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट आच रह सके न कोई एक बार चिंत में सवारा काल पासे ताए बारा जिन नाम त्यारो कहा दार दुष्टोक्ति रहा कड़के में शरण त्यारी आपा दे लो बारी सर्व और मोह सहाई दुष्टोक्ति लो बचाई कड़के में शरण त्यारी आपा दे लो बारी सर्व और मोह सहाई दुष्टोक्ति लो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ लाभ पूर्ण सुप्राता सकल देश को हरता दुष्टों को जय करता श्री तुझ पर दयाला पूर्ण करा करन तत्काल मन बांछत फल पावे सोई दुग्न किसे व्यापत कोई मन बांछत फल पावे सोई दुग्न किसे व्यापत कोई अड़े सुने गुंग जो आए सुरसना पावे सुने मूर्जित लाए चतुर्ता आवे दुख दुख दर्द बहुत निकट न तिन नर कह रहे हो जो यहाँ की एक बार चौपाई को कहे दुख दर्द बहुत निकट न तिन नर कह रहे हो जो यहाँ की एक बार
चौपाई को कहे वाहिगुरु जी। चौपाई संबत्र सत्र सहस पणिचे सर अरद सहस पुन तीन कहिचे पादर सुदी अष्टमी रविवार तीर सत्र ग्रंथ सुधारा इतिश्री चरित्र प्रख्यान त्रिया चरित्रे मंत्री पूप संवादे चार सो पांच चरित्र समापत मस्त सुब मसत वाहिगुरु जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब रहरा साहिब हर जुग जुग भगत उपाया पैज रखदा आया राम राजे अनाखश दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया अहंकारिया निंदका पिट दे नाम दियो मुख लाया जन नानक ऐसा हसेविया अंत लय छड़ाया एक ओंकार सतगुर प्रसाद। श्लोक महला पहला। दुख दारू सुख रोग पया जा सुता न होई तू करता करना मैं नाही जा हाँ करी न होई बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लख्या रहाओ जात में जोत जोत में जाता अकल कला पर तू रहया तू सच्चा साहिब सिफत सुवालियो जिनकी थी सो पार पया कहो नानक करते किया बाता जो किच करना सो कर रहया सो दर राग आसा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो दर तेरा के हा सो कर के हा जित बह सरस माले वाजे तेरे नाद ने कसम खा केते तेरे वामन हारे केते तेरे राग परिसु कहिए केते तेरे गावन हारे गावन तुदनो पवन पानी बैसंतर गावे राजा तरम द्वारे गावन तुदनो चित गुपत लिख जानन लिख लिख तरम विचारे गावन तुदनो ईस ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे गावन तुदनो इंद इंद्रासन बैठे देव त्या धनाले गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो सा विचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुर्ग मच पे आले गावन तुदनो रतन उपाय तेरे हट सट तीरथ नाले गावन तुदनो जोत महाबल सूरा गावन तुदनो खानी चारे गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे धारे सही तुदनो गावन जो तुद पामन रते तेरे भगत रसाले होर केते तुदनो गावन से मैं चित न आवन नान क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर देखे कीता अपना ज्योतिष दी वडे आई ज्योतिष पावे सोई करसी फिर हुकम ना कर ना जाई सो पातशाह हो सहापत साहिब नानक रहन रजाई आसा महला पहला। सुन वड्डा आखे सब कोए केवट वड्डा डीठा होए कीमत पाए न कहा जाए कहने वाले तेरे रहे समाए वड्डे मेरे साहेबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा कोए न जाने तेरा केता केवट चीरा रहाओ सब सुरती मिल सुरत कमाई सब कीमत मिल कीमत पाई ज्ञानी त्यानी गुर गुर हाई कहन न जाई तेरी तिल वड्याई सब सत सब तप सब चंगियाया सिद्धा पुरखा किया वड्याया तुद विण सिद्धि किने न पाईया करम मिले ना ही ठाक रहाईया आखन वाला क्या विचारा सिफ्ती परे तेरे भंडारा जिस तू देह तिसे क्या चारा नानक सच स्वरन हारा आसा महला पहला। आखा जीवा विसे मर जाऊं आखन औखा सचा नाऊ साचे नाम की लागे भूख उत भूखे खाए चलिए दुख
सो क्यों विसरे मेरी माए साचा साहिब साचे नाए रहाओ साचे नाम की तिल वडियाई आप थके कीमत नहीं पाई जे सब मिल के आखन पाहे वड्डा ना होवे काट ना जाए ना ओह मरे ना होवे सोग देदा रह ना चूके भोग गुण एहो हो ना ही कोय ना को होआ ना को होए जेवर आप तेवर तेरी दात जिन दिन करके की तीरात खसम इशारी ते कमजात नानक नावे बासनात रा गुजरी महला चौथा हर के जन सतगुर सतपुरखा बिनो करो गुर पास हम कीरे कीरम सतगुर सरनाई कर दया नाम पर गास मेरे मीत गुरुदेव मोको राम नाम पर गास गुरमत नाम मेरा प्राण सिखाई हर कीरत हमरी रह रास रहाओ हर जन केवट पाग वडेरे जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास हर हर नाम मिले तिता से मिल संगत गुण परगास जिन हर 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 रस नाम ना पाया ते पाग ही जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीव है त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन दुर मस्तक लिख्या लिखास तन तन सत्संगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम परगास राग गुजरी महला पंजवा काहे रे मन चित्तवे उद्दम जा आहर हर जियो परया सैल पत्थर में जंतु पाए ताका रिजक आगे कर दरिया मेरे माधो जी सत्संगत मिले सुतरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहाओ जनन पिता लोक सुत बनता कोई न किसकी धरिया सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर काहे मन पाओ करया उड़े उड़ आवे सह कोसा तिस पाछे बचरे चरया तिन कवन खिलावे कवन चुगावे मन में सिमरन करया सब निधान दस अष्ट सिधान ठाकुर कर तल तरया जन नानक बल बल सद बल जाय तेरा अंत न पारा वरया रागा सा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब तिहावे तुद जी हर सच्चे सिजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर तिहावो संतो जी सब दुख विसारन हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जन विचारा तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एक पुरख समाना एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोर बिनाना तू आपे दाता आपे भुगता जी हो तुद बिन अवर न जाना तू पार ब्रह्म बे अंत जी तेरे क्या गुण आख वखाना जो सेवा तुद जी जन नानक तिन कुर्बाना हर तिहावे तुद जी से जन जुग में सुखवासी से मुकत पए जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी जिन निर्भाव जिन हर निर्भाव त्याया जी तिन का पाओ सब गवासी जिन सेव्या मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत पंडार जी परे बेअंत बेअंता बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाह तुद जी हर अनिक अनेक अनंता तेरी अनिक करहे हर पूजा जी तप तापे जपे बे अंता तेरे अनेक पड़े बहुत सिमृत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड अवर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नेह चल करता सोई
तुद आपे पावे सोई वर्तै जी, तू आपे करे सो होई, तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सिज सब गोई, जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सबसे का जानोई, आसा महला चौथा, तू करता सचियार मैडा साई, जो तो पावे सोई थी सी, जो तू देहे सोई हो पाई, रहाओ सब तेरी तू सब निध्याया, जिसनो कृपा करे तीन नाम रतन पाया, गुरमुखलादा मान मुगवाया, तुद आ बिछोड़या आ मिलाया, तू दयाओ सब तुझ ही माहे, तुझ में दूजा कोई ना है, जिय जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल बिछड़या संजोगी मेल, जिसनो तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सर्द ही आख बखाने, जिन्हा सेव्या तिन सुपाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर ना कोए, तू कर कर विखे जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला तित सरवड़ा पहले निवासा, पानी पावक तिन है किया, पंकज मोह पग नहीं चाले, हम देखा तह डूबी अले, मन एक नचेतस मूड मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया, रहाओ ना हो जती सती नहीं पड़या, मूरख मुगदा जन्म पया, प्रणवत नानक तिन की सरना, जिन तू नाही विसरिया, आसा महला पंजवा पई प्राप्त मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत संगत पज केवल नाम, सरंजाम लाग पाव जा तरन के, जन्म बिरथा जात रंग माया के, रहाओ जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध न जानिया हर आया, कहो नानक हम निज कर्मा, सन परे खीरा को शर्मा, पास शाही दसवीं कवियो बाज बेंती चौपाई, हम भी करो हादे रच्छा, पूरन होई चित की इच्छा, तव चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा, हमरे दुष्ट सबे तुम कहो, आप हाथ दे मोहे बचाओ, सुखी बसे मोरो परिवारा, सेवक सिख सबे करदारा, मोर अच्छा निज कर दे करिये, सब बैरन को आसन करिये, पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याहु, जो बर चाहो सो तुम ते पाऊ, सेवक सिख हमारे ताय, चुन चुन शत्रु हमारे मारिय, आप हाथ दे मुझे उबरिय, मरण काल का त्रास निवारिय, पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस दुज जो करियो रच्छा, राख लियो मोय राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो प्री चतुर्दश कंदा, काल पाए ब्रह्मा बपदरा, काल पाए सिरजू अवतरा, काल पाए कर विसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जो थियो, जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो, आद अंत एक अवतारा, सुई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी, शिव कन को शिव गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बद कियो, कट कट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पहचानत, चीटी ते कुंचर अस्थूला अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पहचाने, कट कट के पट पट की जाने, जब उद्कर्ख करा कर तारा, प्रजा तरत तब देह अपारा, जब अकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तब हूँ, जेते बदन सृष्ट सब तारे, आप आपनी बूझ उचारे, तुम सभी ते रहत निरालम, जानत वेद भेद हर आलम, निरंकार निर्विकार निर्लंभ आर अनि
अनिल अनाद असंभव ता का मूड उचार पेदा जा को पे ना पावत बेदा ता को कर पाहन अनुमानत महामूल कछ पे न जानत महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चिन्हत न पिव आप अपनी बुद्ध है जेती बनत पिन पिन तुहे तेती तुमरा लखा न जाए पसारा कह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक प्यो राग ही पूपा अंडज जेरज सेतज कीनी उत्पुज खान बहु रच दीनी कहो फूल राजा है बैठा कहो सिमट प्यो संकर इकैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप से अंबव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख ओ उवार असिख संघरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेच करो रण काता जे अस दुज तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुखित है मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार तिया है ताके का निकट न है रच्छा हुए ताए सब काला दुष्ट अरिष्ट रे तत्काला कृपा दृष्ट तन जाय निहर्यो ताके तापनक मोहर हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट छा छह सके न कोई एक बार जिन तुम्हें सवारा काल फासे तहई उबारा जिन नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दोख तेरा खड़ग केत मैं शरण तिहारी आप हाथ दे ले उबारी सर्व ठोर मोह सहाई दुष्ट दोख ते ले बचाई कृपा करी हम पर जगमाता ग्रंथ करा पूरन सुबराता किल विख सकल देह को हरता दुष्ट दोख्यन को छह करता श्री असदुज जब हे दयाला पूरन करा ग्रंथ तत्काला मन बाचत फल पावे सोई दुख नति से व्यापत कोई अड़िल सुने गुंग जो यह सुरस न पावई सुने मूर्छित लाए चतुतावई दुख दर्द पाओ निकट न तिन नर के रहे हो जो या की एक बार चौपाई को कहे चौपाई संबत सत्रह सहस पनी जय अर्ध सहस फुन तीन कही जय पाद्रव सुधी अष्टमी रविवारा तीर सत्र द्रव ग्रंथ सुधारा स्वैया पाएंग हे जब ते तुमरे तब ते कहो आंख तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण पुराण अनेक कहे मत एक न मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सब बहु वेद का है हम एक न जान्यो श्री स्वामी कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तो है बखाने ओ दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गयो तुम्हारो द्वार बाहे गहे की लाज अस गोविंदा सुहार राम करी महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सद्गुरुता पाया सहज सेती मन वजिया वधाया राग रतन परवार परिया सबद गावन आईया सब दोत गावो है केरा मन जिनी वसाया काहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरा तू सदा रो हर नाले हर नार हो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओ करे तेरा कार जो सब सवारना सब नागला समर्थ स्वामी सो क्यों मन हो विसार है काहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरे करता तेरे सब किच है
जिस ते सो पावै सदा सिफत सलाह तेरी ना मन वसावै नाम जिनके मन वस्या वाजे सबद कनेरे कहे नानक सच्चे साहेब क्या नहीं का तेरे सचा नाम आधारो सच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया का साथ सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब जाइया सदा कुर्बान किता गुरु बिठो जिस दिया ए वडी आया कहे नानक सुनो संतो सबद धरो प्यारो सचा नाम मेरा दारो वाजे पंच शब्द तितकर सवागे कर सवागे शब्द वाजे कला जितकर धारिया पंच दूत तुद्वस कीते काल कंटक मारिया तु करम पाया तु जिनको से नाम हर के लागे कहे नानक तह सुख होआ तितकर अनहद वाजे आनंद सुनो बड पागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पै ससे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर हां पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे मुंदावनी महला पंजवा थाल विच तीन वस्तु पायो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पायो जिसका सबस आधारो जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधारो एह वस्तु तजी नह जाई नित नित रख उधारो तम संसार चरण लग तरिया सब नानक ब्रह्म पसारो श्लोक महला पंजवा तेरा कीता जातो नाही मैनू जो कितोई मैं निर्गुणिया रे को गुण नाही आपे तरस पियोई तरस पिया मैं रहमत होई सतगुर सजन मिलिया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवे हरिया पौड़ी तिथे तू समर्थ जिथे कोई ना है ओथे तेरी रख अग्नि उदर माहे सुन के जम के दूत नाए तेरे छड़ जाहे पौजल लिखम असगा हो गुर शब्दी पार पाहे जिनको लगी प्यास अमृत से खाहे कल में एहो पुन गुन गोविंद गाहे सब सैनो कृपा समाल ऐसा है साए निर्था कोय न जाए जे आवे तुद आहे श्लोक महला पंजवा अंत गुर आराधना जेहवा जप गुर नाओ नेत्री सद्गु पेखना स्वर्णी सुनना गुर नाओ सद्गु सेती यत्या दरगे पाये ठाओ कहो नानक कृपा करे जिसनो एह वथ दे जग में उत्तम काढ़िए विरले के महला पंजवा रखे रखन हार आप उवारियन गुर की पैरी पाए काज सवारियन होआ आप दयाल मनो न विसारियन साध जना के संग पौजल तारन साकत निंदक दुष्ट खिन माहे विदारियन तिसाहे कीटे नानक मन्ने माहे जिस मृत सुख होए सगले दुख जाहे साहेब की टेक नानक मन्ने माहे जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह श्लोक
गुदे माता गुदे पिता गुदे स्वामी परमेश्वरा गुदे सखा ज्ञान पंजन गुदे बंद सहोदरा गुदे दाता नाम उपदेश गुदे मंत निरोधरा गुदे सात सत बुद्ध मूरत गुदे पारस परस्परा गुदे तीरथ अमृत सरोवर गु ज्ञान मजन परंपरा गुदे करता सब पाप हरता गुदे पतित पवित्र करा गुदे आद जुग जुग गुदे मंत हर जप धरा गुदे संगत प्रभ में कर कृपा हम मूर पापी जित लग तरा गुदे सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुदे नानक हर नमस्कारा गुदे सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुदे नानक हर नमस्कारा के हो श्लोक आद अंत पढ़ना वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। राखा एक हमारा स्वामी सगल कटा का अंतर जामी उठत सुखिया बैठत सुखिया पाओ नहीं लागे जैसे बुझिया मेरा वैद गुरु गोविंदा हर हर नाम औखद मुख देवे काटे जम के फंदा तीने थाप निवारण हारा दुख हंता सुख रास ताको बिगन को लागे जाकी प्रभु आगे हरिदास हरिदास। अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लीते आए फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास से हुई सहाय अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर किचनते आई है जिस जिथे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिये कर नौ निद आवे धाए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब महाराज जी सब थाई होए सहाय दसा पाशाह यदि जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान के खालसा जी बोला जी वाहि गुरु गुरु के पंज प्यारे चार साहिबजादे चाली मुक्तियां हट्टियां जपियां तपियां जिन्ना ने नाम जपिया वंड छकिया दे चलाई तेग वाही दे के अंडिट ता तिन्ना प्यारिया सच्चियारिया दी कमाई दा ध्यान तरके खालसा जी बोलना जी वाहे गुरु जिन्ना सिंगा सिंगनिया ने धर्म हे सीस दिते बंद बंद कटवाए खोपड़िया लुहाइया चरखड़िया ते चढ़े आर्या नाल तन चिराए गए गुरुद्वारिया दी सेवा ली कुर्बानिया कितिया धर्म नहीं हारिया सिखी केसा स्वासा नाल निभाई तिन्ना दी कमाई दा ध्यान तरके खालसा जी बोलना जी वाहे गुरु सरबत गुरुद्वारिया गुरुधामा दा ध्यान तरके खालसा जी बोलना जी वाहे गुरु प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चित आवे चित आवन दसत का सर्व सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रचै रियत देख देख
ਫਤਿਹ ਬ੍ਰਿਤ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇ ਸਥਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਦਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤਾ ਰਾਖਾ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾ ਜੀਓ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਨੀ ਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਨੀ ਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਨੀ ਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਸ਼ਾਮਾ ਦੀ ਦੀਵਾਨ ਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੇਅੰਤ ਬਾਣੀ ਪੜੀ ਗਈ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੜੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੀ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੋ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੀਏ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੁੱਚਾ ਤੇ ਸੱਚਾ ਜੀਵਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੀਏ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਖਸ਼ੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਾਗਣਾ ਬਖਸ਼ੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੂਰਾ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ ਸੱਚੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਕਰਦੇ ਸੇਵਕ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਵੀ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਦੂਰ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰੋ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਾਰੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ੋ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਤ 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 ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਿਆਰ ਨਿਤ ਨਿਤ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਵਧੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਗਾਈਏ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ੋ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੋ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਦੇ ਜੋ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰ ਪਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਉਹ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲੈਣੀ ਅੱਖਰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ ਸਰਬਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ
पूछे अपार बेअंत स्वामी कौन जाने गुण तेरे, गावते सुनते उदरे सुनते बिनसे पाप कनेरे। दंडोत बंधन अनिक बार सर्व कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु नानक देकर हथ। जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं डीठ, बिछड़िया मेले प्रभु हर दरगे का बसीठ। हर नाम मंत्र दृढ़ाए दा कटे हो में रोग, नानक सतगुरु तिना मिलाया जिना तुरे पया संजोग। सो कुटल गुरे सेविए एन सो सहज सोबाए, दर्शन परसिए गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। होवे सिफत खसम दी नूरे अरसों कुरसों चटिए, तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिए। सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहां दे शाओ, जिस पास बैठिया सोइए सबना दावे साओ। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, तना श्री महला पंजवा। तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक खसम हमारे, निमक निमक तुम ही प्रतिपालो हम बारिक तुमरे तारे। तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक खसम हमारे, निमक निमक तुम ही प्रतिपालो हम बारिक तुमरे तारे। जेवा एक कवन गुण कहिए बेसुमार बेअंत स्वामी, तेरो अंत न किन्ही लइए। रहो कोट प्राद हमारे खंडो अनिक विधि समझाओ, हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम आपन बिरद रखाओ। तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सजन सुहेले, राखो राखन हार दयाला नानक घर के गोले। तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सजन सुहेले, राखो राखन हार दयाला नानक घर के गोले। वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। बोले सोने हाल सात श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। संगत जी हुक्मनामा साहब लैंदे आ, होइयां बेअंत भुलां चुकां नूं संगत बख्शन हार जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। गुरु गरीसा सिंह जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। संगत जी बहुत धन्यवाद जी, संध्या वेले चरणपुर बख्शन दा जी पठानकोट शुकराना है जी, बेअंती शुकराना संगत जी। संगत जी पहले स्वरणजीत कौर जी जिहड़ी किताब पढ़ रहे ने धर्म आनंदपुर दी उस सेवा करनगे, उस तो बाद तजिंदर कौर जी जिहड़ी लड़ीवार कथा कर रहे ने श्लोक महला नौवां दे श्लोकां दी ओहदी कथा करनगे। स्वरणजीत कौर जी कंटिन्यू करो। वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह जी। संगत जी जो अज दा पाठ आ किताब धरत आनंदपुर दी, वो पाठ आ रणजीत नगारे दी जन्मदाती धरत आनंदपुर दी। रणजीत नगारे दी जन्मदाती
ਧਰਤ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਨਗਾਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਖ਼ਤ ਚਾਰ ਤੇ ਚੰਦੋਆ ਇਸ ਤੰਤਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਅਤ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ। ਨਗਾਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਖ਼ਤ ਚਾਰ ਤੇ ਚੰਦੋਆ ਥੋੜਾ ਸਹਿ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦੋ ਭੈਣ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਗਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਤਲਬ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਤਖ਼ਤ ਤਖ਼ਤ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਚੌਰ ਤੇ ਚੰਦੋਆ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੀ ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਪੰਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੰਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੈਨ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹ ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਅੱਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰ ਨਗਾਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਖ਼ਤ ਚੌਰ ਤੇ ਚੰਦੋਆ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਅਤ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਨ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਚੰਗੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਾਲਕੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾ ਸੀ। ਗਲ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਾਉਣੀ, ਦਾੜੀ ਰੱਖਣੀ, ਪੱਗ ਬੰਨਣੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਮਨਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਏ, ਉੱਥੇ ਉੱਚਾ ਤਖ਼ਤ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਚੰਦੋਆ ਲਗਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਚੰਦੋਆ ਲਗਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਬੈਠ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚੌਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚੌਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮੇਂ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਚੋਟ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਈ ਕਈ ਮੀਲ ਤੱਕ ਗੂੰਜਦੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਸੀ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਕੰਬਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਵਧਣ ਕਰਕੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਅਤ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ। ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਲਾਉਣ ਤੇ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਭੈ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਤਨਤ ਵਿੱਚ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤਖ਼ਤ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਮੁਅੱਜਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਾਬਲ ਦੀ ਨਵਾਬੀ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਾਰ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਮੁਅੱਜਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਾਬਲ ਦੀ ਨਵਾਬੀ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਾਰ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਾੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਅੱਜਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਬਲ ਦੀ ਨਵਾਬੀ ਸਵਾਲਣ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਢੋਲ ਹੀ ਵਜਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਨਗਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਨਸੀ ਕਰੇਗਾ ਫੇਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੱਜ ਕੇ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਓ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿਲੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੀ ਸੌਣੀ ਆ ਪਈ। ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲ ਮਸੰਦਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਬਖੇੜੇ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਵਤ ਉਤਪਤ ਵਿਸਾਲਾ ਚੱਡੇ ਵਜਾਏ ਕਰ ਜਿਸ ਕਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਾਦੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ।
ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੋ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਏਗਾ ਅਤੇ ਅਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ ਉਸਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸਨ, ਪੂਰਵ ਤਰੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੇ ਵੈਰ, ਹੰਕਾਰੀ ਕੋ ਕਬੂ ਨਾ ਖੈਰ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਜਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਕੋ ਧਰੇ ਗਰੂਰ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਕੋ ਧਰੇ ਗਰੂਰ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕਰੇ ਤਿਸ ਚੂਰ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਸਿਮਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਜਾਵਹੋ, ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਥੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਭੈ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਿੱਥੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਭੈ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੈ ਖਾਂਦੇ। ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਫੌਜੀ ਕਵਾਇਤਾਂ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ, ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਜਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਤੇ ਨਿਰਭੈਤਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਬਖਸ਼ਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਹਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਗਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਾਂ ਨਾ ਕਾਹੂ ਕੀ ਇਹ ਰਾਖਤ, ਸਹਿਨ ਸਾਹ ਖੁਦ ਹੀ ਕੋ ਭਾਖਤ, ਔਰ ਸਭਨ ਕੋ ਜੀਵ ਚੁਰਾਸੀ, ਮਾਨਤ ਆਪ ਭਾਈ ਅਵਿਨਾਸੀ। ਜਿਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਨਿਰਭੈਤਾ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਦਾਤ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜੁਹਾਰ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਵੇਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਪੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ, ਨਹਿ ਪੈ ਮਾਨਤ ਆਨ, ਕਹ ਨਾਨਕ ਸੁਨਰੇ ਮਨਾ, ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤੁਰਾ ਬਣਾਈਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਚੇਸ਼ਟਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਡਮੁੱਲੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਾਅ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 41ਵੇਂ ਸਲੋਕ ਦੀ
चेष्टा करने हैं। आप सारे रल मिल के साथ दियो वाहेगुरु जी। पहले असी श्लोक 41 जी दे उच्चारण करने हैं। झूठे मान कहा करे जग सुपने ज्यो जान, इनमें कछ तेरो नहीं नानक कहो बखान। संगत जी इथे है कहा करे, कहा करे, कहा यानी कि क्यों करता है, कहा दा अर्थ है क्यों करता है, जिस काम नू मतलब झूठा नासवन झूठा मान मान साडा जीवन है, ए संसारिक जीवन हैगा, ए सब नू पता है कि नासवंत है। नासवंत यानी कि इन्हें एक ना एक दिन समाप्त होना है। जिहड़ी चीज जिहदा जन्म होया है ओहदी मृत्यु ओहदी मौत निश्चिंत है। जीव दा जीव लिखे जज्जे जज्जे नू सिहारी, उड़ा उड़े नू अंकर। जीव दा इथे अर्थ लिखे वर्गा, किसी दे जैसे किसी दे सिमिलर वर्ड बोलते हैं जिवें उस दे वर्गा। असी संसार विच आए हां, संसार विच जीवन जी रहे हां, ते असी इहदे विच जीवन जीउंदे हो बहुत सारी चीजां दा असी मान करदे हां। मान भी असी अगर कोई किसी नूं माया दा माया किसी भी रूप विच है, कोई सोहना है रज के गोरा चिट्टा है, या दी कद काठी सोहनी है, या देखण च बहुत ज्यादा ओनूं सारे ओनूं कहंदे कि तेरी बहुत तू बहुत सोहना लगदा है, तू बहुत खूबसूरत है, या फिर किसी दे तेरे को बहुत सारा माया दा है, या तू बहुत पढ़िया लिखा है, या किसी भी तेरे को रज के इस चीज का बहुत भंडार है। मीन्स किसी भी चीज का अत है, अत अति किसी चीज का साडे को जरूरत नालो ज्यादा, जो असी अति होए अत यानी कि असी उन चीज नु ज्यादा करिए कि साडे को ऐ चीज है वे सामने वाले तो ज्यादा है, या साडे मन का कोई अपना कोई असी बना लेने हैं कि यह चीज साडे को ज्यादा है, उसका असी मान करते हाँ। जबकि पाए कोई साडे को अपने असी किसी नॉन लिविंग थिंग्स निर्जीव चीजा का की मान करना, साडे को अपने जेडे उगे साह है साडी इन्हां दी गिनती किन्नी है सानू इहदा भी नहीं पता कि असी किन्नी की काउंटिंग साडे को गिनती रह गई है, साहां दी रह गई है, श्वासां दी गिनती साडे को रह गई है, सानू यह भी नहीं पता। उसके बावजूद असी मान करते हैं अपनी हर हर जो चीज सानू इस संसार विच मिली है जन्म तो बाद, भावे सानू घर बार मिलिया है, भावे चंगी पढ़ाई लिखाई मिली है, भावे साडे शरीर दी कद खाटी सोहनी है, भावे साडे कोई भी चीज है किसी भी चीज, भावे साडे कोई धी पुत्र बहुत ज्यादा पढ़ लिख के गए ने या कुछ किसी भी चीज का किसी भी सेंस विच लै लो, जिहदे विच सानू अपने आप ते गरूर आए मां मतलब होए ओहदा मान गुरु महाराज सानू समझा रहे ने कि तू एथे ते नाशवन संसार विच आया और तेनू पता ही नहीं कि कदों तेरे श्वास से जिहड़े तेरे जिहड़े तू साह लै रहा है मुक जाने है ते तेरी कहानी खत्म हो जानी, तेनू उस चीज का भी नहीं पता, टाइम का पता ही नहीं है, तू कदा मान कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं मान, किस चीज का तेन अपना तू है झूठ झूठदा है कि जिहड़ी चीज एक बार खत्म हो जानी है वह झूठा ही होया। नाशवंत का अर्थ है कि वो चीज जिस चीज ने जिदा जन्म होया उन्हें एक ना एक दिन उसका एंड पॉइंट जरूर हैगा, उन्हें खत्म होना है, उसका मौत निश्चित हैगी है, तो उन्हें इस दुनिया तो जाना है, उस तो बाद उन्हें ओदी जो देही का संस्कार हो जाना है, उन्हें मिट्टी च रूल जाना है, कित्थे गया कित्थों आया सी कुछ पता नहीं है, तो फिर अस जड़ी जड़ी मिट्टी च असी जम्मे मिट्टी च ही रुल जाना है, मिट्टी च साडा कुछ पता ही नहीं है कित्थे जाना कित्थों आए, तो उस चीज असी कादा अहंकार कर रहे हैं कादा मान कर रहे हैं। जग नू असी जिवें रात नू सुपना वेखदे हां सवेरे ओ सुपना मतलब ओ खुल जांदा साडा, जग सुपने जो जान, ए संसार नू असनी इक सुपने वांगू देखना है कि जदों ओ सपने 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 च अपना
सुपना सुपना का अर्थ हैगा थे कि अपनी जो असि सारी जीवन जी रहे इनू जिवें असि राती सोंदे आ और सवेरे साडी अख खुल जांदी है और सुपना रात नूं असि वेखदे आ वह सच नहीं हुंदा वह झूठी है। जग सुपने जो जान इस संसार नू इस सारी अपने जीवन नू असी एक सुपने वांगू ही लेके चलना है। इन में कछ तेरो नहीं नानक कहो बखान हे भाई पता नहीं मनुख नाशवंत दुनिया दा मान क्यों करदा रहंदा है। हे भाई जगत नू सुपने विच वेख पदार्था वांग ही समझ रख हे नानक आख हे भाई मैं तेनू ठीक दस रहा हां कि एना दिसदे हो पदार्था विच तेरा असल साथी कोई भी नहीं है। कोई भी पदार्थ तेरे नाल नहीं है जिन्ना मर्जी तू एना नू इकट्ठा करी जा तू अपना जिन्नी मर्जी जरूरत नालों चीजा नू तू अज मैं ए भी लै ला एना ए लै ला ए इकट्ठा कर ला ए लै ला कुछ भी नहीं ओ चीजा दा एक लिमिट विच। संगत जी इत्थे थोड़ा जा ए है कि किसे भी कोई भी चीज जो संसार विच सानू मिली है जदों असी उनू अत तो ज्यादा यूज करदे आ या उहदा करदा ओह साडे लई एक जहर दे समान है। कोई भी है कोई भी चीज लै लो किसी भी चीज का रूप बहुत सोहना वाहेगुरु ने बनाया वे ओ पावे जिवें साडे जिहड़े शरीर दे पंज विकार हैगे काम है क्रोध है लोभ है मोह है अहंकार है इन्हां नू अगर थोड़ा जिहा खूबसूरती नाल लिया जाए तो बहुत है लिमिटेड विच जिस तरह वाहेगुरु ने जिन्ना को पर अत तो ज्यादा उस ओ चीज जहर है जहर दे समान है उस तो साडे लई बिलकुल ही गलत है। जदों भी असीं किसी चीज दा जरूरत नाल जिवें सानू किसी चीज नाल मोह कह लो मैं मोह दा उदाहरण लैनी हां कि असीं हुण किसी चीज नाल सानू प्यार है अपने किसी भी बच्चे नाल लै लो या किसी अपने अगर मैं एक टीचर हाँ स्टूडेंट नाल लै लो या मैनू किसी चीज नाल अपने मैं कोई चीज खरीद के लियांदी है जां मेरा कोई पुराने मेरे माता पिता जी दे टाइम दी पई है कुछ है अगर मेरा एक लिमिट विच मैनू ओहदे नाल है वे कि मैं ओहदे नाल स्नेह रखनी हाँ कुछ है अगर ओ मेरा प्यार है प्रेम है ओ मैनू उस ना मतलब हाँ इन्ना मेरा होना चाहिए खूबसूरती नाल अगर जरूरत नालों ज्यादा मैं ओदे च ही खर्चित हो ही जा रही हाँ ओ मेरा मोह है ओ मेरे लिए अत है। अत हर चीज दी बुरी है किसी भी चीज नाल कोई भी पॉइंट ले लो अगर जरूरत नालों जिवें असीं रोटी खाने हाँ असी अपनी जरूरत अनुसार खा रहे हाँ कोई चाह पानी पी रहे हैं कुछ भी अपने शरीर नू जिन्नी क सानू लोड़ वांदे असी उनू लै रहे हैं वो ठीक है वो जरूरी है वो खाना है जरूरी है साडे शरीर लई एनू चलन लई वो जरूरी है लेकिन अत तो ज्यादा जरूरत ना ज्यादा असी किसी वेले किसी चीज नू खा लांगे डाइजेस्ट नहीं होएगा वो साडे लई खराब है। इस तरह भी तुसी किसी भी चीज नू क्रोध है अगर किसी बच्चे नू समझाना है वो ता आप जी दी गल नू नहीं समझ पा रहा कुछ है किसी बच्चे ने पिता ने या किसी ने भी किसी अपने तरीके ना अगर थोड़ा जा स्कॉल्ड करके या टीचर दा लै लो या अपना एक कोई किसी एल्डर परसन दा लै लो एक क्रोध नू एक गुस्से नू अगर वो लिमिटेड विच अगर समझाने की कोशिश कर रहा है बेटा ऐदा नहीं करना ऐदा करना है ओथे तक ओ चीज ठीक है पर अदर ओदा से रोध रूप निकल जाए अत हो जाए अत तो ज्यादा हो जाए वो खराब है साडे लई। इस तरह अत थोड़ा जा मेरे माइंड विच है सी ए पॉइंट कि असी किसी भी चीज आ जदों असी जरूरत नालों ज्यादा जा सोने हां या अपना कोई भी गल्लां बातां करने आ गॉसिप्स करने आ या असी किसी भी चीज आ जदों असी जरूरत नालों ज्यादा अगर मैं इत्थे टेलीविजन दा लवां या मैं अपना सोशल मीडिया दा लवां हुण चीज कोई भी बुरी नहीं है माड़ी कोई चीज नहीं है अगर अस जरूरत नालों ज्यादा या ओदे विच की असी चीज देखनी है या की इस किस चीज नू कैच आउट करना है अगर असी चीज सानू समझ आएगी है अगर असी लिमिट विच अपनी जरूरत दे अनुसार जमाने दे हिसाब नाल टाइम दे हिसाब नाल उस चीज नू कर रहे हैं ऑब्जर्व कर रहे हैं ओ ना क ठीक है। हाँ अगर अस आउट ऑफ लिमिट हर चीज गलत है।
आउट ऑफ लिमिट कोई भी चीज होए, कोई भी काम, अगर असि हुण असि काम करी जा रहे हैं दिन सवेर तो लैके शाम तक अपना उन्हें कहते शारीरिक श्रम जिन्हों कहते ने अपना हाउस होल्ड वर्क करी जा रहे हैं या बाहर का कोई भी काम है, असि लगातार अपने शरीर को आराम नहीं दे रहे और अत हो गई ना किसी भी चीज आ मतलब आप जी सारे सारी संगत सियाने बैठे हैं किसी भी चीज आ तो पाए काम है पाए क्रोध है पाए लोभ है मोह है अहंकार है कोई भी है जिन्हें विकार साढ़े शरीर दे ने वो वाहिगुरु जी ने सानू कहा है कि असी लिमिट विच रह के उसकी खूबसूरती विच उनु बना के अगर असी उनु करते हैं तो वह साढ़े लिए ते फिर ते असी उनू साडे जीवन लई जरूरी भी है बट अगर असी उनू ओदा अनलिमिटेड लैने आ तो ओ साडे लई जहर है। झूठे मान कहा करे असी क्यों किस अगर किसी चीज दा देखो अगर मेरा बच्चा है भी मैनू या मैनू अपनी सिक्खी दे मान है या मैं अपने बच्चे दे मान है कि मैं हाँ वाह मतलब हाँ मेरा बच्चा सही निकलिया सही अपना है दे एदी रहनी बहनी सही है आज्ञाकार बच्चा है एदा जिस तरह मैं चाहती सी इदा टल गया वे इस तरह ही ए जीवन का मैनु खुशी हो रही है ते मैं अपने आप च उन्हें गर्व महसूस कर रही हाँ या मैं भारत की रहन वाली हाँ मैनु भारत के कल्चर से भारत के ओहदे ते मैनू एक खुशी है माण है महसूस है पर अगर इसे मान नू अगर मैं अहंकार विच लै जावा मैं किसी चीज ना भी मेरी कुड़ी मेरे कुड़ी वर्गा कोई है ही नहीं है कोई जमया नहीं साडे वर्गा वो अभिमान हो गया अहंकार हो गया ऐ थोड़ा जा है बस ही झूठे मान कहा करे जग सुपने जो जान वाहिगुरु जी जिन्नी के मेनू ना मतलब थोड़ा जा समझ आंदा है मेनू वैसे ना है नहीं अभ्यास मैं अपने जिन्नी के मेनू सोजी एदे च लगदी अगर कितने मैं गलती करा मैं जरूर दसना। झूठे मान कहा करे जग सुपने जो जान इनमें कछ ते रो नहीं नानक क्यों बखान की वाहिगुरु हे नानक आख हे भाई तेन मैं ठीक दस रहा गुरु तेग बहादुर जी कह रहे ने कि इन्हां विकारां चो निकल इन्हां विचों जिहड़े तेरे तू पदार्थां नूं संभ भी बैठा है ना अलमारियां भर भर के रखदा पिया करदा पिया तेरे किसे काम दे नहीं हैगे जरूरत जिन्नी कि उन्नी क है जरूरत चाहीदी है पर जरूरत नाल ज्यादा अत जिहड़ी है वो नहीं ठीक। गर्व करत है देह को बिनसे छिन मैं मीत जय प्राणी हर जस कहो नानक तह जग जीत। गर्व ओही हो गया करत असी ये शरीर दा होने में आप जिन दे अगे एग्जाम्पल लिता सी अपनी खूबसूरती दा सी मान कर दे आ या फिर जिवें हुण जिवें जीवन ढलदा जा रहा सी मैं मतलब एलीगेशन नहीं है कोई भी ठीक है अपनी अपनी सुंदरता नूं बनाने लई पार्लर भी जांदे ने जो भी जांदे ने अपने अपने उन्हों पर जो मिलिया वो तो वो ते है ही है ना वो किन्नी देर ओदी ओदी रहेगी। गर्व करत है देह को अपनी सुंदरता ते अपने शरीर ते असी मान करदे आ मैं किन्ना गोरा चिट्टा वा मैं केरी मेरी कै मैं दूजे नालों मेरी किन्नी सोहनी परसनैलिटी है मैं किन्ना देखो मैनू हर कपड़ा पाया मैनू बहुत फबदा है ते मैनू मतलब मैं बहुत सारे नाल ज्यादा मेरी बहुत अपना मेरा रोब है मेरे शरीर का रोब है बिनसे छिन मैं मीत जदों इहदे च सवास निकल गए ते घर वालिया ने बस पंजा सत्ता घंटिया दे विच विच अपना काम खत्म करके फिर उन्होंने ठीक है भी ओ है कि बिनसे छिन मैं मीत जदों एदे च सवास निकल गया एदे च कुछ नहीं रहना देही की है मिट्टी है बाद चो अपने आप ते इन्हें एवं अपने पासा भी नहीं पलटिया जाना कुछ भी नहीं भावे एदा की बस जे प्राणी हर जस कहो हाँ जो प्राणी ओ वाहिगुरु दा जस गाउंदा है जस यानी कि जो संगत च विच बह के या अपना उस वाहिगुरु नूं जिस वाहिगुरु ने सानू इस धरती ते भेजा है कि जाओ नाम जपना है आप जी ने आपने इस जन्म विच नाम दी अपनी कमाई जरूर करनी है दुनियावी कमाइयां करदे होए उस नाम दी कमाई जरूर करके आउणी है मेरे कोल नानक तेह जग जीत जिस प्राणी ने जिस भी इंसान ने उस वाहिगुरु नूं याद रखिया है उसका गुणगान गाया जस गाया उसका गुणगान गाया ते नानक तेह जग जीत ओ समझ लो उन्हें उस संसार नूं जीत लिया है। हे मित्र जिस शरीर का मनुख मान करता है ए भी इहदा अपना नहीं है
पीरियड हैगा ना ओ छिन्न है ओ पल है ओदे विच उहने नास हो जाना है। होर पदार्थां दा मोह तां किते रहा आपने इस शरीर दा मोह भी झूठा ही है कि होर ते जिहड़ी चीजां दा असीं मान करना कि आ भी मेरा आ भी मेरा ओ भी मेरा है उस तो ते तुसीं छड्ड ही दो तुहाडा जिहड़ा अपना शरीर है ऐ भी आप जी दा अपना नहीं है ऐ भी इहनूं भी झूठ ही मानो। हे नानक जिस मनुख ने परमात्मा दी सिफत सलाह करनी शुरू कर दित्ती है उसने जगत दे मोह तो जित पा ली है। मोह यानी कि ओही कि मैं मैनू ए सारे सानू आस पास साडे जिन्नी भी अवेलेबल है ने फैसिलिटीज हैगियां ने उहनां दा साडे मन ते दिलां ते मोह छाया होया है ओहदे तो अगर असीं वाहिगुरु दा गुण करदे हां जाप करदे हां वाहिगुरु नाल जुड़े हां जिदा ते असीं भी हुण लग रहा है कि सानू भी थोड़ा जा कि सानू धीरे धीरे थोड़ा जा असी उस चीज तो हट दे जा रहे हाँ। और ए बहुत साडे लई करमा वाली गल है कि सानू शुक्र है वाहिगुरु ने घर बैठे संगत बख्शी है। जय कट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान ते नर हर अंतर नहीं नानक साची मान। जय कट यानी कि जिस मनुख दे कट अते दिल लई कहा गया भाई जिस मनुख ने जिस इंसान ने अपने दिल विच उस परमात्मा नु याद रख्या है ओदा सिमरन किता है सो नर मुक्ता जान समझ लो उन्ने उन्हां विकारां तो अपने आप नु बचा लिया है। दुनिया च रह रहा है दुनिया दे कार विहार कर रहा है दुनिया विच ही ओ जड़े जिन्ना दी लोड़ वांदे जिन्नी की लोड़ है भावे ओ किस कोई ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਰਚਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਰ ਹਰ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾਨਕ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਇਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੇ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀਰ ਕਹਿ ਲਓ ਭਰਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਹੇ ਭਾਈ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਟਿੱਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿੱਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਹੇ ਭਾਈ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਟਿੱਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੋਹ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ ਆਖ ਹੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਮੰਨ ਕਿ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਸ ਟੋਪਿਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਵੈਸੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸਭਾ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਵਤਾ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਦੱਸਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸਾਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ
जरा इंसान होएगा ना परमात्मा ओ अपने दिल विच चाती अंदर नहीं मारेगा, वो बाहर ही करेगा। ओ ऐही किता वाहिगुरु ने, ओ हर इंसान दे दिल विच हृदय विच जाके विराजमान हो गए। असी इंसान की करदे आ, असी बाहर दी असी करी जा रहे हैं, सानू ओ नहीं आया, असी अंदर चाती नहीं मार रहे कि वाहिगुरु ते साडे अंदर ही बैठा है। थोड़ा जा इस टॉपिक ते मैनू स्टोरी याद आ गई सी वाहिगुरु जी ते मैं आप जी ने सांझी कीती है कि ओ परमात्मा साडे अंदर ही है। साडे ओ जिस मनुख ने उस परमात्मा नू याद किता है उदा हर वेले नाम जप रहा है। नाम जपन अर्थ है कि अपने कार व्यार कर ही रहा है, अपनी अपनी कार दे भी काम कर रहा है, बाहर दे भी कर रहा है, बच्चे नू स्कूल भी छड्डन जा रहा है, लेके भी आ रहा है, अपना साग सब्जी भी खरीद रहा है, सारे अपनी दुनियावी काम कर रहा है, पर अंदर ओदे ओ किसी ना गाली गलोच नहीं कर रहा, ओदे अंदर नाम चल रहा है, ओ किसी नू फिट लांता नहीं पा रहा, ओदे अंदर नाम चल रहा है, ओ किसी नू गलत अगर इन दा सेंस कदी कदी इदा हुंदा है कि कदी सामने वाला गलती कर जांदा है पर ओदा गुस्सा नहीं मानदा, ओ अपने आप नू उस तों उन्हां विकारां तों बचा के जिवें कहंदे ना पतली सड़क तों निकल गए, साइड तों अनदेखा करके निकल गए। अगर ओदे च गल हो गई है ते समल ओदे विच नाम दा प्रकाश हो गया, ओ उस इंसान दे अंदर वाहिगुरु विराजमान है और वाहिगुरु नू उहने ओ फिर जद उहनू पता है कि मेरे अंदर वाहिगुरु बैठा फिर ओहनू कोई शिकायतां भी नहीं होणगीआं, ओहनू कोई फर्क नहीं पेगा। संगत जी टाइम हो गया, बाकी असी कल कर लिए वाहिगुरु जी या एक या नेक्स्ट वीक ठीक है वाहिगुरु। हाँ जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद संगत जी, बहुत बहुत धन्यवाद कंजी साहब। मैं पुनप्रीत नूं मैं दस रहा सी कि बड़ी बहुत शुकराना कि संगत कथा कर रही है ते जिहड़े आप जी बहन जी कथा करदे ने तजिंदर बहन जी ओ बिलकुल डीप हार्ट तो करदे ने। मैनूं उम्मीद है कि इहदे विच उहनां दा अपना अभ्यास अपना अनुभव ज्यादा है और जो उन्होंने तैयारी रीड कुछ किया वो घट है, बट अपना अनुभव ज्यादा होता है। बहुत धन्यवाद बहन जी। संगत जी बेनती सी 2 और 3 तारीख 2 अगस्त और 3। अरे संगत जी आप जी ने याद नहीं दिलाया, आज तो फ्राइडे सी, आज तो पाठ शुरू करने से मैं भी नहीं याद आया, आज तो वो अखंड जाप शुरू करने से वो मेरे भी दिमाग तो उतर गया। संडे शुरू कर दिया, कल का दिन लगेगा तैयारी करने में, कल शाम ही फिर संडे से फिर शुरू कर दिया संगत जी। अखंड जाप सुखमी साहब दिवजोत दिवजोत नाम है, सॉरी अभी गौर नाम वास्ते, अभी गौर वास्ते, अभी गौर दी ज्योति वास्ते। तो संगत जी 2 और 3 अगस्त नू हरप्रीत कौर जी इधर साडे नाल हैगे ने, वह शायद दरबार साहिब जा रहे ने, ते 2 अगस्त और 3 अगस्त शाम दी जिसने सेवा लैनी होए हुकमनामा साहब दी ओ प्लीज दस देना जी, जिन्हां दे घर महाराज विराजमान हैगे ने कल तक दस देना प्लीज जी। 2 और 3 अगस्त संगत जी कल शामी या परसों सवेरे अखंड जाप श्री सुखमनी साहब शुरू होंगे, अभी कौर जी, अभी कौर जी दी ज्योति दी नेत्रा दी अद्धी रोकता वास्ते। करमजीत कौर जी आप जी करोगे समाप्त? करमजीत कौर जी 5 मिनट है कि नहीं, आप जी एक शब्द पढ़ लो फिर समाप्ति कर लेना जी। करमजीत कौर जी वीर जी मैं ये कह रही थी कि सुखमनी साहब का पाठ सोचा थी ना संगत ने करने का, मेरी के सारे संगत ने 13 शायद आप कह रहे थे। हाँ वो भी तो कल है, मैं बिल्कुल ही दिमाग से उतर गया मेरा, कितने बजे करना सी मैं भूल गया, टाइम किसी मैं वो दोबारा से गल कर रही थी 4 to 5:30 या पौने सी। हाँ संगत जी अच्छा याद आ गया, संगत जी कल संगती रूप विच कल शामी 4 बजे आप सब नू रिक्वेस्ट है, आप भी सफादरी भरना कल शामी 4 बजे संगती रूप विच सुखमनी साहब दे जाप होंगे। कल दा लिंक असी अलग बनावांगे, कल मीटिंग लिंक होएगा जिदे विच आप जी मतलब अपना नाल दे नाल बोल सकते हो, आप जी कोल सब कोल माइक होंगे कल, ते एक पंक्ति एक संगत बोलेगी और फिर बाकी अगली पंक्ति बाकी संगता बोलेंगी, वैसे ट्राई कर लांगे
एक दो अष्टपदी भी थोड़ा सेटल हो जाएगा किस तरह पाठ करना है, उस तो बाद ऐसी मतलब पौने छह तक पाठ होगा, फिर पौने छह अपना शानदार ब्याह शुरू हो जाएगा जी, तो फिर परसों शुरू। हाँ जी जी, बोलो जी। दो दो पंक्तियां करके करो फिर वो ठीक रहेगा ना। वही ना, वही कल ट्राई कर रहे हैं, कल एक या दो अष्टपदियां इसमें हो जाएगी सेटल की किस तरह पाठ करना है, सामने आ जाएगा। हाँ जी, हो जाएगा। संगत जी उन लास्ट दी है डिस्कशन की कल शामी चार तो पौने छह पाठ ने सुखमी साहब थे संगति रूप विच, फिर पौने छह तो बाद शानदार दीवान है, और परसों सवेर तो दीवान लगनगे अखंड जाप सुखमनी साहब अभी कौर दी देवता वास्ते। करमजीत कौर जी आप भी शब्द पढ़ के इस नक्ति दी पाठ करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वीर जी मैं शब्द पढ़ लेनी है, समाप्ति कोई और कर देगा, मैं खाना बनाना सी। ठीक है, गुर का शब्द रखवारे चौकी चौगिर्द हमारे, गुर का शब्द रखवारे चौकी चौगिर्द हमारे, चौकी चौगिर्द हमारे, चौकी चौगिर्द हमारे, राम नाम मन लागा जम ल जाई कर पागा, राम नाम मन लागा जम ल जाई कर पागा, जम ल जाए कर पागा, चौकी चौगिर्द हमारे, गुर का शब्द रखवारे चौकी चौगिर्द हमारे, प्रभ जी तू मेरो सुखदाता, प्रभ जी तू मेरो सुखदाता, तू मेरो सुखदाता, प्रभ जी तू मेरो सुखदाता, बंधन काट करे मन निर्मल पूरन पुरख विदाता, पूरन पुरख विदाता, चौकी चौगिर्द हमारे, गुर का शब्द रखवारे चौकी चौगिर्द हमारे, नानक प्रभ अविनाशी ताकि सेवना बिरती जासी, नानक प्रभ अविनाशी ताकि सेवना बिरथी जासी, अनद करे तेरे दासा जप पूरन होई आसा, अनद करे तेरे दासा जप पूरन
जप पूरन होई आसा चौकी चौगिर्द हमारे गुर का शब्द रखवारे चौकी चौगिर्द हमारे गुर का शब्द रखवारे चौकी चौगिर्द हमारे चौकी चौगिर्द हमारे चौकी चौगिर्द हमारे गुर का शब्द रखवारे चौकी चौगिर्द हमारे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नवज्योति जी, जी वीर जी, वाहिगुरु जी खालसा, वाहिगुरु जी फतेह। हाँ जी भाई, हाँ जी भाई, पाठ कर लो। हाँ जी वीर जी, मैं दे रही बेटे ने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कीर्तन सोहला, सोहला राग कोड़ी दीप की माला पहला। जय कर कीरत आखी है करते का हुए बिचारो। तित कर गावो सोहला सिमरो सृजन हारो। तुम गावो मेरे निरपो का सोहला हो वारी जिस सोहले। सदा सुख होए राव नित नित जीड़े संभाली। अनदेखे का देवन हार तेरे दाने कीमत ना पवे। ते जाते कवन समाज संबत सा लिखिया मिलकर पावो। तेल दे ओ सजन सीसनिया जो होए साहिब सुमेल कर करे ओ। पहुंचा सदर नित पवन सदन हारा सिमरी ए नानक से देवन। रागा सम अल्लाह पहला छे घर छे गुर छे उपदेशे गुर गुरे को वे सनेक। बाबा जय कर करते कीरत होए सो कर राख वटाई तोए राव। विसिए जसिए कड़ी है पैरा थिति वारी माँ हुआ सूरज को। रुतन एक नानक करते के केते वेश राख नासरी मल्ला पहला। गगन मैथाल रव चंदी पक मने तारका मंडल जनत मोती। धूप मल्याल लो पवन चवरो करे सकल बन राय पुलन ज्योति। कैसी आरती होए पव खंडा तेरी आरती अनता सबद भजन पेरी राव। शैस्तव नैन नैन है तो एको सहस मुहूर्त नना एक तो ही। सहस पद विमल नन एक पद गंधेव। सहस्तव गंधेव जलत मोही सब मै जो जोत है सोई। तिस दे चानन सब मै चानन हुई। गुरसाखी जोत प्रगट होए ज्योतिष पावे स्वार्थी होए। हर चरण कमल मुकरन लौभिक मनोवन दिनो मोए आई प्यासा। कृपा जल दे नानक सारंग को होए जाते तेरे नाए वासा। राग गोड़ी पूर्वी मल्ला चौथा काम करो नगर पो परया। मिल साधु खंडल खंडा आए पूरब लिखत लिखे गुर पाया। मन हरले मंडल मंडा आए कर साधु अंजलि पुन वड्डा आए। कर दंडोत पुन वड्डा राव साकत हर सार न जाने तिन अंतर हो मैं कंडा आए। जो जो चले जब दुख पावे जमकाल शहर से डंडा आए। अर्जन हर हर नाम समानी दुख जन्म मरण पव खंडा आए। अविनाशी परख पाया परमेश्वर वो सोपखन ब्रह्मंडा आए। हम गरीब मस्किन प्रब तेरे राख राख बट बड़ा आए। जन नानक नाम धार टेक है पर नामे सुख मंडा आए। राख गोड़ी पूर्वी मल्ला पंजवा करो विनंती सुन मेरे मीता। शंटेल की बेलाइया खाट चलो अरला आगे बसंत सुहेला।
अवट कटे दिन सरह नारे मन गुर मिलका सवारे राव ए संसार विकार संसय में तरियो ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाए प्यावे रस कथ कथा तिन जानी जाको आए सोई ब्याजो हर गुरते मने बसेरा निज कर मैल पावो सुख सहजे बोर नायको फेरा अंतर जामी पुरख बिराते श्रद्धा मन की पूरे नानक दास सुख मांगे मुको कर संतन की तूरे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी सलो गुरुदेव माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वर गुरुदेव सखा ज्ञान भंजन गुरुदेव बंदव सुभद्रा गुरुदेव दाता हर नाम उद्देश्य गुरुदेव मंत्र उद्रा गुरुदेव शांत सद बुद्ध मूर्त गुरुदेव पारस परस्परा गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर गुरु ज्ञान मजन परम्परा गुरुदेव करता सत्ता गुरुदेव पति पवित्रा गुरुदेव हर जुगा जुग जुग गुरुदेव धर जा पुद्रा गुरुदेव संगत परम मेल कर कृपा हम गुर पापी लगतरा गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक नमस्कार सच्चे पातशाह जी दिया गया अरदास नारी दियो पिंड सब तेरा कहु नानक सब तेरी वडियाई कोई नाउ जन ना जाने मेरा अरदास एको ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई ते आए फिरंगत गुर ते अमरदास रामदास से होए सहाय अरदन हर गोविंद नाम सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आइए जिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिय करण अनुज्ञावे ताए सब थाई होए सहाय दसम पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी आप जी सब थाई होए सद सब पाशाहियां दी ज्यो श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पाशाह जीओ जी आप जी की बाणी पाठ दर्शन दीदार प्यार सत्कार दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे सच्चे पाशाह जी गुरु सच्चे पाशाह जी बेनती शुकराना सच्चे पाशाह जी आप जी ने बख्श के अपने बच्चे पास रल मिल के सच्चे पाशाह जी श्री ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਨੋਵਾ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਪਰੰਤ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਰਤ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਸਾਖੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ ਕਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਦੀ ਉਪਰੰਤ ਕੀਰਤਨ ਸੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾਪ ਹੋਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮੁੱਚੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਬੇਨਤੀ ਗਲਤੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸੋਡੀ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਵਾਡੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰ ਕਰੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕੇ ਜਾਗਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀ ਦਾਤ ਸੰਗਤਾਂ ਚਰਨ ਧੁੜ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਗੁਫੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਵਾਡੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾ ਸੰਨੇ ਵਜਾਏ ਜੀ ਸਹੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ ਜਨ ਮਿਲੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਕਾ ਨਾਮ ਮਿੱਠਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ ਜੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਕਾ ਭਲਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਬੋਲੇ ਸਭ ਨਿਹਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਅੰਤ 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 ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮੀ 4 to 5:45 ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ ਨਿਆ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਿੰਕ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਲਿੰਕ ਆਪਣੇ ਨੈਟਵਰਕ ਫੈਮਿਲੀ ਪੜੋਸੀ ਆਸ ਪੜੋਸੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਜੀ ਐਨੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲ ਲਿੰਕ ਆ ਆਪ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਦੂਸਰਾ ਪਰਸੋਂ ਸਵੇਰੇ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਅਵੀ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਗਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ